गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम टू माय चैनल कर्मा ब्लॉग आप सबको कर्मा ब्लॉग में स्वागत है कर्मा डिफेंस एकेडमी में आप सबको स्वागत है आज एक दूसरा एक्सरसाइज के साथ जो कि ये भी लोअर ऐप का एक्सरसाइज है और इसको किस हिसाब से करना है लोअर ऐप का एक्सरसाइज में काफ़ी सारा मैं पहले वीडियो में बताया काफ़ी सारा एक्सरसाइज है जो मैं हर एक वीडियो को अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ जो कि हर एक बंदा देख के आसानी से समझ पाए एक्सरसाइज लोअर एक्स एप का एक्सरसाइज काफ़ी एक साथ कर सकता है लेकिन एक्सरसाइज एक साथ करने से क्या है हर एक बंदे को इसमें कंफ्यूज या डाउट हो जाता है तो मैं लोअर एप का इसका क्या बेनिफिट्स है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कैसे करना है इसका तरीका क्या है सही तरीका आपको बताने के लिए मैं ये ब्लॉग लेके आया हूँ और इसको करने में आपको कितना टाइम तक करना चाहिए और इसका किस हिसाब से करना चाहिए कम से कम कैसे आपको इसको फॉलो करना है आप अगर फॉलो करेंगे तो शायद जो भी आदमी ओवरवेट में है बेली फैट्स है उसके लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिट्स होगा काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है मैं जस्ट देरी ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों देखिए ये लेग स्विंग है अप एंड डाउन अप एंड डाउन लेग स्विंग होगा ये आप हाथ को साइड में भी रख सकता है या साइड में भी रख सकता है पाव को स्ट्रेट करना है घुटना ये जो नी है नी को बैंड नहीं करना है नी को स्ट्रेट रखना है और आप गर्द गर्दन में भी हाथ को यहाँ लॉक कर सकता है और यहाँ पर भी रख सकता है आपको जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप उस हिसाब से इस एक्सरसाइज को कर सकता है इसमें आपको काफ़ी सारा स्ट्रेंथ का भी जरूरत पड़ता है कोशिश करें ये एक्सरसाइज भी कम से कम आपको दो मिनट तक रखें तो मैं अभी काउंटिंग करूँगा इसमें भी सेम देखता हूँ कहाँ तक मैं काउंटिंग में यहाँ पर रुक सकता हूँ अपने आप को कहाँ तक होल्ड कर पाऊँ पता हूँ तो दोस्तों देखे स्टार्ट कर रहा हूँ रेडी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटी एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51 52 53 54 55 56, 56 58, 59, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 82 83 84 85, 86 87 88 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 100 दोस्तों हंड्रेड तक मैंने किया ये आप अगर डेली बेसिस में आप अगर उसको और इंक्रीज करना है तो आपको जैसे हंड्रेड मारा कोशिश करें कि हंड्रेड के बाद आप दोबारा एक बार और जितना तक मार सकता कि कितना स्ट्रेंथ है आपका उस हिसाब से मारें जस्ट लाइक सेम ज़्यादा टाइम तक आप रेस्ट नहीं लेना है कोशिश करें कि फिर कितना टाइम तक होल्ड कर पाते

सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी नाइन एट्टी दोस्तों मैं जस्ट नेक्स्ट टाइम एट्टी कर पाया ऐसे ही आप अगर हर एक एक्सरसाइज में आपने आपको नहीं रोकते हुए आप अगर इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा आपको इस एक्सरसाइज में ऐसे वाले एक्सरसाइज में काफ़ी मदद मिलेगा जिसमें आपका एब लोअर एब का काफ़ी आपका मजबूती मिलेगा इसका स्ट्रेंथ पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका जो बेली फैट्स है जो बेली फैट्स है वो जल्दी उसमें डिक्रीज़ होगा और आपको स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों घुटने को नी को बैंड नहीं करना है नी को बैंड करना है और आप जो पंजा है जो हमारा टो है टो को आगे की तरफ स्ट्रेट करके टो को आगे की तरफ स्ट्रेट करके ये आगे की तरफ टो को आगे की तरफ खिंचाव करके तब आपने करना है जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा नी लॉक रहेगा आपका पेट में जो लोअर है उसमें सपोर्ट मिलेगा दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा तरीका बताऊँ और इसमें आपका जो भी बंदा इसमें इंटरेस्टेड है और फिजिकल एक्सरसाइज करता है वो इसमें प्रॉपर इसको फॉलो करें इससे आपको शरीर का जो बियरिंग है उसका भी पोस्चर है वो भी सही हो जाएगा दोस्तों आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में और भी कुछ लोअर एप या अपर एप से संबंधित रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आऊँ दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार